अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द अलाइट स्कूल, टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन, क्लास 3, लेक्चर नंबर 13, रिवीजन। दिस इज़ योर बुक टाइटल, टॉपिक फ्रैक्शन, पेज नंबर 110 टू 116, एक्सरसाइज 3A, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस आपने पढ़ी हैं, फ्रैक्शन में आपके पास टू होते हैं। क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है और एक आपके पास डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर जो होता है वो आप अप में लिखते हैं, अपर वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर आपके पास जो लोअर वैल्यू होती है डाउन में, उसको कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, व्हाट हैपन व्हेन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर नॉट जीरो। कह रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है कि जब आपके पास जो फ्रैक्शन होती है उसको आप इक्विवेलेंट यानी सेम नंबर से आप उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉट जीरो, कि जीरो के साथ आपने नहीं करना, वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको इक्वल फ्रैक्शंस के साथ यानी एक नंबर के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर 2/3 आपके पास फ्रैक्शन है, आपने उसको सेम 2 के साथ न्यूमिनेटर और 2 के साथ आपने उसके डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। जैसे कि आपके पास 4/6, ठीक है, 2 2 4, 3 2 6, तो 4/6 आपके पास फ्रैक्शन आती है। द शेडेड पार्ट रिमेन्स द सेम, कह रहे हैं शेडेड पार्ट जो है वो रिमेन क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे। 2/3 = 4/6, therefore they are equivalent fractions. तो ये क्या है, equivalent fractions है। What happen if the numerator and denominator are multiplied by the same number again? कि कह रहे हैं कि क्या होता है, जैसे कि 1/2 है, सेम नंबर से किया तो 2/4 आ गया, फिर किया तो 4/8 आपके पास आ गया, तो यही आपके पास जो है वो फ्रैक्शन जो है वो आपके पास चलती जाएगी। तो वी गेट दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 4/6, 8/16। तो ये आपके पास कह रहे हैं कि इसी तरह आपके पास ये फ्रैक्शन जो है वो चलती जाएगी। द सेम रिजल्ट इज शोन इन द फ्रैक्शन टेबल, तो ये कह रहे हैं सेम रिजल्ट यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन टेबल में भी गिवन है, कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये फ्रैक्शन आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मूव करेगी। नेक्स्ट है आपके पास दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कह रहे हैं ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, वही सेम हमने सेम नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई किया। वन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट जीरो, वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के अलावा, ठीक है, जीरो के अलावा बाकी नंबर्स के साथ, तो वो आपके पास क्या आता है, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, कि न्यूमिनेटर जो है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर आपका स्मॉलर नंबर होता है और डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर नंबर होता है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर आपके पास जो है वो ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर आपके पास स्मॉलर होगा, ठीक है। जैसे कि 5/3, तो 5 आपके पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है और 3 आपके पास डिनोमिनेटर स्मॉलर नंबर है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, लुक एट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज सिमिलर अबाउट देम, 4/8 एंड 3/8, 4/10 एंड 1/10, 1/6 एंड 3/6। द डिनोमिनेटर इन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज द सेम, कि इसमें आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर सेम है। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है, कि लाइक फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शन होती हैं कि जिनके डिनोमिनेटर आपके पास सेम होते हैं। जैसे कि आपके पास 8 है, दोनों में 4/8, 3/8, 4/10, 1/10, 1/6 एंड 3/6, तो ये डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/3, 2/5 एंड 2/7, तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन ईच पेयर द न्यूमिनेटर आर द सेम एंड द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास डिफरेंट है, तो ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, कि जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं वो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होती है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, तो ये सारे आपके कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन आपको गिवन है। अब यहाँ पे लुक एट दिस फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द टेबल गिवन ऑन पेज 112, व्हेन द कंपेयर देम वी सी दैट 4/8, 3/8, 4/8 आपके पास ग्रेटर है क्योंकि ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में है। 4/10, 1/10, 1/6, 3/6, इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द न्यूमिनेटर, द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन।
कि आपके पास जो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसमें ग्रेटर होता है न्यूमिरेटर, और ग्रेटर वैल्यू पे ही हम साइन जो है वो अपना शो करते हैं. लुक एट द टेबल अगेन टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. 1/2, 1/3, 3/4, 3/5. अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमिरेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. तो ग्रेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन पे करते हैं. अभी ये आपके पास एक उन्होंने प्रैक्टिस आपको दिया हुआ है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर में, प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि आपके पास कौन सा आएगा, क्योंकि एग्जांपल आपने सारी जो है अगेन रीड हमने कर ली है. ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं. तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है. ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, तो सिंपल स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, तो सिंपल छोटे से बड़े की तरफ जाना है. जैसे 3/8, 5/8, 2/8, 1/8 है, तो स्मॉलेस्ट 1/8, 2/8, 3/8 और 5/8 आपने इसी तरह ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ जाना है. राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपने स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ जाना है, तो ये आपने करना है. और राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ है, तो वो आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे. सर्कल द बिगेस्ट टेक द स्मॉलेस्ट. ठीक है, न्यूमिनेटर सेम सो ऑपोजिट. ठीक है, न्यूमिनेटर सेम है तो हमने ऑपोजिट पे जाना है. एक्सरसाइज 3A है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स. द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज, ये कितनी फ्रैक्शन है वो आपने यहाँ पे बतानी है. राइट द मिसिंग न्यूमिनेटर, 1/9 = -27. मिसिंग बताने हैं न्यूमिनेटर. ठीक है, इसका 17/5 इज एन डैश फ्रैक्शन की कौन सी फ्रैक्शन है. 3/5 इज डैश देन 9/5 की क्या है आपके पास वो बताएंगे कि ग्रेटर है या स्मॉलर है. ठीक है, लेस देन है. 4/13 इज डैश देन 3/13. सेकेंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताने हैं. द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 3/8 की क्या ये 3/8 ही फ्रैक्शन कहलाती है. 15/5 and 1/3 आर इक्विलेंट फ्रैक्शंस डैश कि ये इक्विलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है. 7/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7/9 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है वो आपने बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल. 9/10, 4/10 डैश कि ये क्या है, सेम है या नहीं है. इन द फ्रैक्शन 2/5, 5 इज द न्यूमिनेटर. कह रहे हैं कि 2/5 में जो 5 है वो न्यूमिनेटर है, तो आप बताएंगे कि न्यूमिनेटर है या नहीं है. थर्ड इज सेलेक्ट द फ्रैक्शन करेक्ट. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अब इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. आपको गिवन है एन इक्विलेंट फ्रैक्शन और 2/7 इसकी कौन सी इक्विलेंट फ्रैक्शन होगी अगर आप इसको सेम नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई. तो इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, शेडेड पार्ट आप बताएंगे 4/9 and 3/8 आर कौन सी फ्रैक्शन है. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक कौन सी फ्रैक्शन है वो आप बताएंगे. 37/5 इज आप बताएंगे कौन सा है ये. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है. इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, क्या है डिनोमिनेटर. सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन. अब आपने सर्कल करने हैं करेक्ट फ्रैक्शन को कौन सी है. कलर द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन. क्या आपने फ्रैक्शन से गिवन है 1/2, तो आपने उसी फ्रैक्शन को यहाँ पर शो करना है और कलर करना है. होमवर्क के आपके पास प्रैक्टिस करनी है आपने और लर्न करना है टेबल 7 आपने, और जो एग्जांपल्स आपको बताई हैं वो भी आपने रीड करनी है. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आपने अगेन रीड करना है.